नमस्कार, मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें लोग जानते हैं और जो लोगों के लिए काम करते हैं। आज की एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारी शख्सियत है प्रकाश कुकरेजा जी। प्रकाश कुकरेजा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया। प्रकाश कुकरेजा जी को जानते हैं लोग उल्हास नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सचिव सेक्रेटरी के पद पर। प्रकाश जी, आपकी जो पहचान बनी उल्हास नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप पहले क्लर्क थे, बाद में लॉ ऑफिसर बने जी, बाद में सचिव के पद पर आप रहे जी, और कई सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई जी। पहले तो अपने जीवन के इस क्षण पर आप रोशनी डालिए और जनता को बताइए कि किस तरह कॉर्पोरेशन में कब से आपने शुरुआत की, पहले कौन सा पद आपने ग्रहण किया और बाद में कब तक आपने उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सारी जिम्मेदारियां पब्लिक के लिए निभाई। मैं 13 दिसंबर 1978 के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका में मेरी नाका क्लार्क पद पे नियुक्ति हुई थी, केवल ₹5 प्रतिदिन पगार पे। उसके बाद मैंने नाका क्लर्क की जवाबदारी संभालते 18/2/1991 में मुझे कायदा अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर पद का प्रमोशन मिला। उस दिन से लेकर 15 अप्रैल 2005 तक मुझे लॉ ऑफिसर पद की जवाबदारी हमेशा मेरे पास रही और 18/12/1996 में मुझे महापालिका सचिव पद का प्रमोशन मिला और वह पद मैंने अपने रिटायरमेंट पीरियड यानी कि 31/8/2013 तक संभाला और मैं अकेला एक अधिकारी हूँ। आप देखेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका से जो बिना किसी दाग के 34 सालों की अपनी सर्विस देते हुए, लोगों की सेवा करते हुए बिना दाग बाहर आया और अपना आज का जो जीवन है वो भी मेरा सुखी जीवन है। प्रकाश जी, बिना दाग के आपने बात कही और आपने बात कही कि पहले पहले जब आप पालिका थी तब आप जब गए तो आपने जो ड्यूटी संभाली थी वो एक नाके का जो क्लर्क रहता है, इस पद को फिर भी जनता, कुछ जनता के लोग जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स जानते होंगे, पब्लिक भी जानती होगी कि एक नाके के क्लर्क की क्या ड्यूटीज रहती हैं। लेकिन जब आप LLB ऑफिसर, लॉ ऑफिसर होने के बाद जब आपने ड्यूटी संभाली, क्योंकि आपने कहा कि लॉ ऑफिसर का पद आपको इसलिए मिला क्योंकि आप अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो LLB थे, ये सही है? ये सही है, क्योंकि उस समय BCom LLB एक मैं ही उम्मीदवार था जो लॉ ऑफिसर पद के लिए लायक था और मुझे ही चुना गया। लॉ ऑफिसर की ड्यूटीज क्या रहती हैं कॉर्पोरेशन? लॉ ऑफिसर्स की ड्यूटी ऐसे है कि महानगर पालिका के विरुद्ध जो भी केसेस, लीगल केसेस आते हैं या महानगर पालिका को या नगर पालिका को लीगल केसेस करने हैं, उनके लिए लॉ ऑफिसर की एक जवाबदारी रहती है कि किस तरह से महापालिका हित में काम करे और महापालिका को यश मिले। चलिए, लॉ ऑफिसर का पद आपने तब संभाला, फिर आपने महापालिका के सचिव पद को भी ग्रहण किया। लॉ की मैं बात करता हूँ, अभी आपकी जानकारी, अभी चूंकि आप महापालिका में नहीं हैं, किसी पद पर नहीं हैं, आप बाहर जनता के लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए सोचते हैं, सोशल लाइफ में आप एक प्रोफेशनल लाइफ भी अपना चला रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा शहर है, इस शहर में जो भी बातें हो रही हैं कानून के तहत हो रही हैं, पालिका के विरुद्ध जो भी बातें, जब कोई पिटीशन जाती है तो उसमें आप प्रकाश कुकरेजा एज द सिटीजन ऑफ दिस सिटी उल्लासनगर क्या कहेंगे? जैसे कि मैं अभी शहर में, जो शहर के रास्ते को चौड़ा किया गया 17 सेक्शन का रास्ता, उसमें महापालिका के विरुद्ध कई सारी पिटीशंस डाली गई, लॉ ऑफिसर होने के नाते आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले कल्याणमंद अमरनाथ रोड का जो विस्तारीकरण किया गया था, दशहरा मैदान में महाराजा हाल के सामने एक प्रॉपर्टी है जिसे मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद उन्हें वो केस जीत के दिया था। कारण दो ही थे उसमें, एक तो कारण ये था कि उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो कल्याण अमरनाथ
रोड की जो मार्किंग दी थी वो 100 फीट डीपी रोड के रुंध के हिसाब से नहीं थी, उनमें उन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ था। वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से 100 फीट डीपी रोड में इफेक्टेड नहीं थी, लेकिन उनको उन्होंने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हटाने के लिए नोटिस दिया था, जो कि 23 फुट की लंबी प्रॉपर्टी थी। और दूसरा ये था उसमें मुद्दा कि वो ज़मीन जो थी वो खाजगी ज़मीन थी, उनके पास उनकी सनत थी, उसके अलावा भी उन्होंने उनको नोटिस दे दिया। तो कायदा ये है कि अगर आपको 100 फीट डीपी रोड में अगर आपकी किसकी प्रॉपर्टी जाती है तो ही डिमोलिशन करनी है, और दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसे उसकी ज़मीन आपको अब संपादन करनी है, आपको अक्वायर करनी है और कायदे की प्रक्रिया लागू करके उसको अक्वायर करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, नतीजा ये हो गया कि जो उन्होंने नोटिस निकाला था तो हाईकोर्ट ने वो नोटिस को सेट असाइड कर दिया और उसके कारण अभी वो कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद जो कल्याण अमरनाथ रोड की जो दुर्गति हुई, इसमें जो लोग अफेक्टेड है, जिनकी प्रॉपर्टियां गई, इनमें से अनेक लोग, अनेक संस्थाएं मेरे पास आई मिलके, मेरे को कहा कि ये जो रोड की जो मार्किंग दी गई है या जो प्रक्रिया चालू है वो कायदे से है कि नहीं। तो मेरा सीधा उत्तर था कि मेरा मिसाल जो है आप दशहरा मैदान पर जाके देखो, कायदे से जो नहीं है मैंने उसको सिद्ध किया है, और आप लोगों को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी कायदे से काम करवाने के लिए आपको प्रश्न करना होगा और आपको भी कोर्ट में जाना होगा ताकि जो गलत प्रक्रिया चालू है उसे रोका जा सके। मेरी बातें सुन के कैलाश पर्वत हाल में सभी लोगों की मीटिंग की गई थी, वहाँ पे मैंने एक लेक्चर दिया था, मेरी बातें सुन के और मेरी मेरिट सुन के कुछ लोगों ने ये तो माना ठीक है कि कोर्ट से उनको न्याय मिल सकता है, और उन्होंने अपने मर्जी से जाके उन्होंने पिटीशन डाले। नतीजा यह हुआ कि कमिश्नर ने एक अच्छा कदम लिया, उसमें यह कहा कि जिनकी भी पिटीशन आई है उनको मैं सुन के निर्णय लूँगा। इसके अलावा एक पिटीशन जो मेरे थ्रू गई थी हाईकोर्ट में, जो व्यक्ति थे श्री गुलराज मदनानी, टिल्सन के सामने देवीदा प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में एक दुकान थी 746, 4 दिसंबर 2015 को डिमोलिशन का प्रोग्राम रखा गया था, और 4 दिसंबर 2015 को हाईकोर्ट में उसी पिटीशन की हियरिंग थी, और हमने उनको 12 बजे नोटिस दिया कि भाई आपके वकील को आप कह दीजिए कि 4:30 बजे कोर्ट को ये मैटर सुनना है, आप अपने तरफ से अपना वकील लगा सकते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि उसमें वहाँ उस समय के लीगल असिस्टेंट कमिश्नर श्री युवराज बदाने जी ने कमिश्नर और उस समय के उपायुक्त को बताया कि इसमें स्टे आने वाला है, आप इसको जल्दी से तोड़ दो। तो उन्होंने सामने वाले को स्टे ना मिले इसके लिए घाई गर्दी में इन्होंने वहाँ का जो 2 मंजिली इमारत थी वो इस तरह से तोड़ी कि उसका कुछ स्लैब लटकने लगा, और 4:30 बजे उसी दिन हाईकोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, और 4:30 के बाद फिर उन्होंने तोड़ा। फिर मैंने उनको इंटीमेट किया कि अब तो स्टे मिल गया, आप नहीं तोड़ सकते, उसका मूवी वगैरह निकाला था। तो दूसरे दिन हम उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला, और उसमें कोर्ट ने उनके ऊपर आक्रोश दिखाया और कहा कि भाई अभी आपने तोड़ा है तो पहले इसको अल्टरनेट साइड दो, और जो आप जो जिस तरह से आपने डिमोलिशन किया है, अगर स्लैब लटक रहा है, कहीं कोई अगर हादसा हो गया तो उसके लिए महापालिका को कदम उठाने हैं कि वो प्रोटेक्ट करे, वो गिरना नहीं चाहिए, किसी को उससे क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे आदेश थे जो 22 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने दिए थे, लेकिन महापालिका ने उसमें कोई उपाय योजना नहीं की। नतीजा ये हो गया कि 19 सात 2016 को एक व्यक्ति श्री अशोक पाल वह गिरे हुए स्लैब का शिकार बन गया, और उस मासूम व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैंने आज अपने क्लाइंट की तरफ से कॉरपोरेशन को नोटिस दे रखा है कि जो अधिकारी थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए, और मेरा नोटिस ये पुलिस कमिश्नर को भी दिया हुआ है, सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भी दिया गया है, महापालिका कमिश्नर को भी दिया गया है, और काफ़ी प्रेशर के बाद और पर्सिक्यूशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पहले तो ये मान रहा था कि दुकानदार के ऊपर केस करना है। मैं बोला दुकानदार के ऊपर केस क्यों करना है, जब दुकानदार ने तो कोर्ट के नजरिए में लाया था कि भाई ये जो स्लैब गिरने वाला है कभी हादसा बन सकता है, तो उसके कारण ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, और अभी पास हो गया है तो उसकी जवाबदारी खत्म। अभी जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया उनके ऊपर आपको
जवाबदारी निश्चित करनी होगी। तो उन्होंने अपना मैटर लीगल डिपार्टमेंट को भेजा और लीगल डिपार्टमेंट को उनको राय आई है कि ये जो अधिकारियों ने कमतरता दिखाई है उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, अभी जल्दी ये एफआईआर दाखिल हो जाएगी। प्रकाश जी, ये कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी ये बातें हो रही हैं, जो पब्लिकली रॉन्ग हैं, लीगल वे में भी जिनको रॉन्ग कहा जाए, तो पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को इसमें किस तरह से जागरूक होना चाहिए? अगर जैसे कि कुछ और दुकानदारों को भी स्टे मिला था, कमिश्नर ने इसी चैनल के माध्यम से इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि आपने ड्यू प्रोसेस जो है वो अप्लाई नहीं किया है, तो कमिश्नर ने ये जवाब दिया था कि वो 13 दुकान जिनको स्टे मिली है सिर्फ हम उनकी उनके लिए स्टे रखेंगे, बाकी कार्रवाई अपनी चालू रखेंगे। कहीं ना कहीं ये भी गलत है, तो पब्लिक को आप क्या बताना चाहेंगे इस दर? देखिए, पहले तो पब्लिक को जागृत होना होगा, उनको परिस्थितियों को समझना होगा, उसके हिसाब से उपाय योजना भी करनी होगी। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, शॉर्टकट में छोटा सा व्यंग है, इसे पर्सनल मत लीजिएगा। ये एक राजा था जिन्होंने राज संभालते ही कहा कि मेरा जो राज रहेगा वो अलग रहेगा, तो किसी को भी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो या सजेशन देनी हो तो एक बॉक्स रखा था, उसमें बड़ी खुशी के साथ वो डाल सकते हैं। तो आते आते उन्होंने क्या किया, आते आते टैक्स भरा दिया, तो लोगों में इस बात के लिए गुस्सा था कि आते आते टैक्स भरा दिया, सब आपस में बात कर रहे थे लेकिन उस डब्बे में कोई कंप्लेंट या सजेशन नहीं डाल रहा था। उसके बाद थोड़ा समय हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोड को तोड़ के पेवर ब्लॉक लगाने शुरू कर दिए। फिर वही बात, लोगों ने आपस में चर्चा चालू थी लेकिन सामने से जाके कोई सजेशन या कंप्लेंट नहीं दे रहा था। उसके बाद पानी जो है 2-3 दिन के बाद आने लगा, 4 दिन के बाद आने लगा, उसके बाद भी लोगों को ये राय थी कि यहाँ पर तो कॉरपोरेशन की कोई सिस्टम ही नहीं है, हमको 3-3 दिन के बाद पानी मिलता है, कभी ना मिलता है, लेकिन ये चर्चाएँ आपस में ही रहती थी, सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स में नहीं आई। कचरा भर गया, कचरा भरने से लोगों को पीड़ा हो रही थी लेकिन वो पीड़ा सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स में नहीं आ रही थी। कल्याण अमरनाथ रोड टूट गया पूरा, तो लोगों का यह मानना था कि हमें गैर तरीके से टटाया गया, हमें लावारिस कर दिया, हमें बेघर कर दिया और धंधे से गए हम लोग, लेकिन ये बातें सिर्फ आपस में सीमित थी, डब्बे तक नहीं पहुँचती थी। राजा को लगा कि मेरे राज में किसी को कोई सवाल ही नहीं, कोई शक ही नहीं, सभी खुश है। तो कुछ दिनों के बाद जब कल्याण अमरनाथ रोड बन के चमकने लगा तो लगा कि ये तो शहर में एक नायाब चीज़ बन गई है, लोग पसंद करते हैं। तो उसे लगा अभी क्या है, लोग मेरे को कोई सवाल नहीं करते, मेरे को कोई कोई प्रश्न नहीं करते, मेरा राज इतना है कि लोगों की खुशी से बाहर नहीं है, खुशी के भीतर ही है। तो उन्होंने कहा कि इस पर फ्लाई ओवर ब्रिज बना दो। फ्लाई ओवर ब्रिज बना दिया तो लोग बोलने लगे कि अगर फ्लाई ओवर ब्रिज ही बनाना था तो हमें क्यों बेघर किया, हमें क्यों लावारिस किया। तो फिर भी कोई सवाल कंप्लेंट के रूप में या सजेशन के रूप में राजा के पास नहीं गया। राजा बोला, यार इतने काम किया हूँ मैं, सभी लोग इतने खुश है, मेरे पे ऊपर कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ ऐसा करूँ कि लोग चिर के कुछ डाल दे। तो उन्होंने कहा कि जो अभी फ्लाई ओवर ब्रिज से नीचे से या ऊपर से कोई भी जाता है उनको 5-5 जूते मारो। वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी राजा को मिली। राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई यह तो मेरे लिए बड़ी कामयाबी है कि मेरे पास चिट्ठी आ गई। उन्होंने चिट्ठी खोला, उसमें लिखा था, हुजूर आपकी जो जूते मारने की प्रक्रिया है वो भी हमें मंजूर है लेकिन जितने आपने आदमी लगाए उनकी संख्या बहुत कम है, आप जरा इनकी संख्या बढ़ा दें, हमको काम पे जाने के लिए देर हो रही है। तो यह कैसा है कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलने वाला। पहले तो जो जनता है उनको परिस्थितियों को समझना होगा, परिस्थितियों का उपाय योजना क्या होना चाहिए, उसका निकाल कैसा होना चाहिए, उसके लिए और कौन से दरवाजे पर जाना चाहिए उनको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो उल्लासनगर है एक विशिष्ट शहर है जहाँ पे लोगों को समय नहीं है किसी बात में इन्वॉल्व होने की, और जैसा है वैसे परिस्थिति में चलते रहते हैं और एडजस्ट करते रहते हैं। सही बात कही प्रकाश जी ने, चैनल के माध्यम से हमने भी कई बार इसी बात को देखा है कि शहर में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के विरुद्ध आप आवाज नहीं उठाते,
आवाज उठाते हैं आप, कभी कभी चैनल के लोगों को भी आप रास्ते पर पकड़ लेते हैं कि हमारे हमारी एरिया में जो है ये मुद्दा है, ये परेशानी है, आप हल करके दीजिए। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी वो जिम्मेदारियां वो निभाएगा। हम आपकी आवाज को प्रशासन तक लाएंगे, लेकिन प्रशासन की ड्यूटी है उस समस्या को हल करना, और समस्या हल नहीं होती है तो आपको आवाज उठानी है, आपको रास्ते पर आना है। प्रकाश जी ने अपने अनुभव से जो कटु व्यंग्य किया, इसको आपको समझना होगा और गहराई से समझना होगा। प्रकाश जी, आपके अनुभव की बातें, क्या आपने कारपोरेशन का ये जो पद की जो समय सीमा थी खत्म हो गई, शायद आपने उसके बाद 31 अगस्त 2013 को मैं रिटायर हुआ हूँ, रिटायरमेंट के बाद क्या आपने ये सही नहीं सोचा कि आप अपने अनुभव को पब्लिक के लिए इसी तरह शेयर करते रहें, इसी तरह एक वकील बनकर या इसी तरह समाज सेवी बनकर, क्या पॉलिटिशियन बनना जरूरी है कि आप पॉलिटिक्स में कूदे? देखिए, पॉलिटिक्स में जाने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा कारण यह था जाने में कि यहाँ पे पावर मिलने के बाद आप शहर के लिए एक सुधार ला सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ला सकते हैं। विदाउट पावर मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए ये मेरा फैसला था कि पॉलिटिक्स में जाके अगर मुझे पावर मिलता है तो मैं लोगों के लिए कुछ सेवा करूं। और वो पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिशियन होने के बाद भी, पावर में होने के बाद भी शहर के लिए कुछ हितकारी नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें कि आज शहर में पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता है, तो उनको सुधारेगा कौन, उनके लिए समाज सेवी बातें, उनको जागरूक, क्योंकि अगर आप भी नेता बन गए तो नेता को व्यंग्य करने वाले लोग कहाँ बचे, और नेता को सबक सिखाने वाली पब्लिक को जागरूक करने वाले लोग कहाँ बचेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा ये था कि सोच बदलो, शहर बदलो। मैं जिस संघर्ष के साथ जाना चाहता था, जिस तैयारी के साथ जाना चाहता था, मेरा मकसद यही था कि सोच बदलो, शहर बदलो। उसमें लोगों ने मुझे सहकार्य बहुत कम किया, नतीजा यह हुआ कि मैं उस मोमेंट को, उस अभियान को पूरी तरह से लोगों के बीच सफलतापूर्वक नहीं ला पाया। लोग ये भी मानते हैं, आप जगह जगह अगर आप प्राइवेटली पूछेंगे तो लोग मानते हैं कि कुकरेजा का जो नीति और नियत है वह सराहनीय है, योग्य है, और उसके अगर नीति पे चलेंगे तो शायद कुछ शहर का सुधार हो। लेकिन ये कैसा है, एक बात इसमें भी व्यंग बताऊंगा एक छोटा सा। मैं एक व्यक्ति अपने शहर के एक बगीचे में गया तो वहाँ पे वो गाड़ी बाहर रुका के अंदर गए थे। जब वो वापस आए तो उनको ये मिला कि उसकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, तो हैरान परेशान हो गए। तो 2 दिन के बाद फिर व्यक्ति वो गार्डन में गया तो उनकी गाड़ी वहीं पे बाहर खड़ी थी। गाड़ी देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन गाड़ी में एक लिफाफा पड़ा था। उन्होंने वो लिफाफा खोला, लिफाफे में लिखा था, मैंने आपकी गाड़ी चुराई थी, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी, वैकेशन चालू है और गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं था, इसलिए मैं आपकी गाड़ी ले गया था। अब उसी जगह खड़ा कर रहा हूँ और जितना पेट्रोल मैंने यूज़ किया है उतना ही भर के रखा है इसमें, आप बड़े मन से मुझे माफ़ कर देना। और इसमें 4 पिक्चर सुल्तान की टिकट पड़ी हुई है, आप ये ले जाके अपने परिवार के साथ आप आनंद ले लीजिएगा मेरी तरफ से। तो जो व्यक्ति की गाड़ी चली गई थी वो बहुत खुश हो गया, भावुक हो गया, मन से प्रसन्न हो गया कि ऐसे आदमी भी है जो गाड़ी छोड़ के जाते फिर वापस रख के जाते हैं, तो बेचारे की मजबूरी थी, इसे बड़े मन से माफ कर दिया। तो दूसरे दिन वो जब पिक्चर सुल्तान देखने को गए, बहुत खुशी के साथ सुल्तान पिक्चर देख के आए, जब वापस आए तो घर खाली मिला उनको। फिर उन्हें एक चिट्ठी मिली कि एक बार आपको मूर्ख किया, आप समझे नहीं, कितनी बार गलती करोगे। तो नतीजा ये है कि अगर आप सही उम्मीदवार नहीं चुनोगे तो आपकी शहर की परिस्थिति इसी तरह से रहेगी। सही उम्मीदवार की बात कही जाए तो कारपोरेशन में रहते, लॉ ऑफिसर रहते, फिर सचिव रहते, इस अपने कार्यकाल के दौरान आपने जो भी राजनीतिज्ञ देखे, जो भी नेता देखे, प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल देखे या मेयर ऑफ द कारपोरेशन देखे या जो भी पार्टी लीडर्स देखे, सब में से अगर आपसे निजी राय ली जाए
तो कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन था जिसने कंपैरेटिवली शहर के लिए हितकारी काम अच्छे किए? देखो, किसी का नाम लेना तो ये ऐसा होगा कि भेदभाव करना होगा जी। और आपकी निजी राय जानना चाहिए। निजी राय मेरी यही रहेगी कि श्री पप्पू कालानी जी में काम करने का बड़ा जुनून था। मैं उनके साथ कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वगैरह गया था, किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाके बढ़ते थे तो उसे पूरा करने के बगैर नींद नहीं करते थे। तो उसमें एक जुनून था, वो जुनून इसकी एक एडवांटेज थी और उसके कारण उसने कई बार कई चीज़ें शहरों को दी है जो आज भी लोगों के दिल में है। चलिए प्रकाश जी, जुनून की बात कहें, एक अलग पैरेलल लाइन पर हम ये सोचते हैं कि आपको भी शहर के लिए ऐसा जुनून है कि कुछ ऐसा हितकारी काम करें, तो अब जनता के लिए और कौन से मुद्दे रह गए हैं जो कॉरपोरेशन की तरफ से गलत हो रहे हैं और जनता जो है उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जनता फिर भी है, जो आपने व्यंग्य कहा कि जो को तो सिर्फ चर्चाएं कर रही है, आवाज़ नहीं उठा रही। देखिए कैसा है कि पहले तो एक बेटर म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लिए, चाहे जनता हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, उन्हें कायदे कानून का पालन करना आवश्यक है और कायदे कानून के भीतर रहकर अपने शहर की जो उन्नति है कैसे की जाए, ये सबको मिलकर सोचना चाहिए। अभी कैसा है कि न महापालिका कानून कायदे का पालन कर रही है, न जनता को कोई बता रहा है कि ये गैर कानूनी आप मत करो, और जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि एवरीबडी इज एडजस्टिंग। तो सोचता वो है जो परिस्थिति से बाहर निकलना चाहे। इस पर भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ऐसा है कि भाई, एक टीचर ने अपने बच्चों को सिखाने के लिए क्या किया, एक पानी का एक क्या बोलते पॉट लिया और उसमें मेढक डाल दिया और पानी भरा हुआ था। तो बच्चों को पूछा, देखो मेढक की क्या परिस्थिति है? मेढक बोले, तो पानी में कूद कूद रहा है, इसको खुशी बहुत है या खुश है? बोलो अभी इसकी परिस्थिति बदल रही तो इसका कैसा है रिएक्शन जरा देखना आप। उन्होंने गैस चालू किया और एक नंबर पे गैस लगाया, तो जैसा जैसा पानी गर्म होने लगा तो मेढक ने क्या किया, अपने आप को सिकुड़ के रखा, एडजस्ट करने की कोशिश की कि भाई जैसा पानी गर्म हो रहा है कि मैं बच के थोड़ा बाजू में रहूँ। फिर दो पे किया तो उसने और स्ट्रेंथ लगा के अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर तीन पे रखा तो और स्ट्रेंथ लगा के एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर चार पे जब आया तो और एडजस्टमेंट कर दिया उसने। जब पाँचवें पे लगाया तो उसके सहन शक्ति के बाहर था, तो उसने कूदने का सोचा। जब वो कूदने की सोच रहा था तो गिर के मर गया। आप बताइए मेंढक को किसने मारा? मेंढक वो जो भटक रहा था, पहली जो उसकी सोच थी, अगर वो इमीडिएटली उसके पानी के बहाव से बाहर आ जाता था, पानी के पॉट से, तो शायद बच भी सकता था। मेंढक ने अपने आप को मारा। यस ऑफ कोर्स। हाँ, कठिन से कठिन परिस्थिति में उसने समझौता किया। उसे ये मालूम होना चाहिए कि उसे कोई भगवान आके बाहर नहीं निकालने वाला। बिल्कुल, उसको खुद को संघर्ष करना था। बिल्कुल, उसको खुद को एफर्ट्स डालने थे। अगर वो पहले ही जब परिस्थिति में इतनी खराब था तो पहले ही में जब उसने एडजस्टमेंट किया ठीक था, दो पे किया, तीन चार के बाद भी अगर उसने एडजस्टमेंट किया तो उसको वो जो सोच थी उसकी, जो उसकी जो उसका निर्णय था वो गलत था, क्योंकि वो परिस्थिति से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। जो परिस्थिति से बाहर निकलेगा नहीं, संघर्ष करेगा नहीं, तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे भी लोगों की ऐसी हालत है कि कोई भी परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहता और कोई सोच नहीं है कि किस तरह से परिस्थिति से बाहर आवे। जब तक में लोगों में सोच नहीं आएगी तो शहर बदलेगा ही नहीं। और जिस हालत में आप सबको एक्सेप्ट कर लोगे, तो एडजस्टमेंट करते रहोगे, तो आप अपने आप को मार रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भी मेंढक जैसी परिस्थिति हो जाएगी और आप लोग कभी शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अब जो परिस्थिति शहर की है, इससे सुधारने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए कई आपको उपाय योजनाएं करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको एक अच्छे नेताओं की जरूरत है, आपको अच्छा प्रशासन चाहिए, एक अच्छा शासन चाहिए। सब मिलके और जनता मिलके उनको सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सबको एक कोऑर्डिनेशन करना होगा और सामने आना होगा, और जो आप सोच रहे हो वैसा ही आपको पाने के लिए संघर्ष, त्याग, तपस्या और एकता दिखानी होगी।
एक मुलाकात के आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने एक ऐसी अनुभवी शख्सियत को आज निखारा है, उनके विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कारपोरेशन के अनुभव को आप तक ले आए हैं। कई बार शहर में लोग जो है व्यवस्था को, प्रशासन को बड़ा बुरा कहते रहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचना, कहना, उसके आगे भी हमको जाना है, संघर्ष करना है। एक मैं आपको और बात बता दूं जी, एक बड़ी परिस्थिति मेरे सामने, जब मैं लॉ ऑफिसर था उल्लासनगर महानगर पालिका में, श्री आर डी शिंदे साहब हमारे कमिश्नर थे। आप 3 नंबर ओटी से जो 4 नंबर का फ्लाईओवर ब्रिज जाता है, आपको मालूम होना चाहिए इसके नीचे कई ऐसी प्रॉपर्टियां थी जिनकी खुद की प्राइवेट जमीन थी, उनको NOC मिली हुई थी 10 HP की, वो बाधित हो रही थी। तो उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला हुआ था कि भाई हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारी प्राइवेट जमीन है और जमीन अधिग्रहण के तहत कार्रवाई न किए हुए कॉरपोरेशन ने हमको डायरेक्ट नोटिस दिया है डिमोलिशन का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर निकलना महानगर पालिका के लिए बहुत मुश्किल था। तो कमिश्नर साहब मेरे से बैठे थे, बोला कुकरेजा परिस्थिति से कैसा बाहर आवे। तो मैंने कहा साहब इसमें खाली लीगल आपका नॉलेज नहीं चलेगा, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड वो लागू होनी चाहिए। बोला कैसे? मैं बोला साहब आपको सर इसमें रिजल्ट मिलेगा और मैं वो ट्रिक्स ऑफ ट्रेड खेलूंगा, खाली आपकी अनुमति होनी चाहिए। जब वो केस हाईकोर्ट के सामने चला तो हमने कबूल किया है कि जो जमीन है वो प्राइवेट जमीन है और वह जमीन अधिग्रहण कानून के तहत हम पूरी प्रक्रिया का अवलंबन करके इसे हासिल करेंगे, परंतु इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज्ड है, उससे तोड़ने के लिए हमें कोर्ट ने लिबर्टी देना चाहिए। कोर्ट ने हमारी ये बात सुन के हमें आदेश दिया कि आप अनऑथराइज तोड़ सकते हो, लेकिन जमीन हासिल करने के लिए आपको जमीन अधिग्रहण के तहत प्रक्रिया आपको करनी होगी। तो नतीजा यह हो गया कि उसके बाद उनका डिमोलिशन हो गया। डिमोलिशन होने के बाद जो अफेक्टेड लोग थे उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो पुल बन गया। आज जो पुल दिख रहा है इसमें भले मैं सामने से नहीं दिखता हूँ, लेकिन मेरे इसमें जो मेरा योगदान है सबसे बढ़िया योगदान है, इसकी मैं अपनी सराहना या प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अनुभव का जो मैंने फ़ायदा लिया ट्रिक्स ऑफ ट्रेड का, वो लोगों के हित में था। बिल्कुल प्रकाश जी, आप कुछ प्रेस के माध्यम से, कुछ ऐसे ब्राउशर्स, कुछ आपके राइटअप ऐसे पब्लिक के लिए आजकल प्रसिद्धि में लाते हैं जिनसे पब्लिक, मैं बहुत सी जो शहर सेवा करता हूँ लोगों के सामने लाता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने मेरी एक याचिका है, पब्लिक काइंड ट्रस्ट जो मेरा NGO है खुद का, वो 17 अक्टूबर को उसके ऊपर निर्णय आएगा। उसमें शहर हित में जो प्रदूषण के मामले में जितने भी मुद्दे हैं मैंने उठाए हैं और वो एक बड़ा निर्णय होगा जो शहर में काफ़ी सुधार लाएगा, जिसके कारण सिस्टम में एक नया चेंज आने वाला है, तो आप उसका भी इंतज़ार कीजिए। और दूसरा, जो शहर की आज परिस्थिति है, जगह जगह आपको रोड नहीं दिखेगा, खड्डा दिखेगा, तो उसके लिए भी मैंने एक जनहित याचिका दाखिल की अपने नाम से, PL 88/2015, और उसमें हाल ही में मैंने एक 15 दिन पहले एफिडेविट फाइल किया जिसमें 41 फोटो दिए पूरे शहर के, जगह जगह पर खड्डे हैं, और 6 अक्टूबर को उसका भी हियरिंग होगा। तो लोगों के हित में कुछ ना कुछ निर्णय आएगा तो लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा एक बड़ी याचिका मैंने जो फाइल की है, उसका जब निर्णय आएगा तो यहाँ के क्या पूरे महाराष्ट्र में एक नया सिस्टम आएगा, एक नया सुधार आएगा, वो है जनता की आवाज़। कानून ऐसा है कि आपके नगर सेवक आपके वार्ड में जो भी काम करते हैं आपके पूछे बगैर करते हैं, अगर एरिया सभा का कानून, एरिया सभा का कानून एक तरतूद है BPMC एक्ट में, अगर वो लागू हो जाता है जिसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को निकालना है, अभी तक निकाला नहीं है, अगर वो निकलता है तो हर महीने एक वार्ड वासियों की मीटिंग होगी जिसमें वो तय करेंगे कि पहले काम कौन सा करना चाहिए और किस तरह से करवा के लेना चाहिए। वो उनको एक जन अधिकार मिलेगा जो जाके इस सिस्टम में और एक क्रांतिकारी इसमें बदलाव लाएगा। चलिए प्रकाश जी से आज जो भी बातें हुई वो आपके अधिकार की बातें हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करने की बातें हैं, इनके अनुभव से, इनकी बातों से आप भी कुछ सीखें और आप भी उसी संघर्ष के रास्ते पर चलें जो संघर्ष हमें शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए करना है। प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के तहत हम एक छोटा सा राउंड भी करते हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर।
जिसमें मैं एक शब्द पूछूंगा और आप अपनी निजी राय से, अपने निजी जीवन से उस शब्द का जवाब एक शब्द या एक वाक्य में दे सकते हैं, और तुरंत वो आपके जबान से आना चाहिए ताकि लगे ना कि आपने सोच समझ के दिया। रैपिड फायर में सबसे पहला शब्द जो है जिंदगी, लाइफ, इंसानियत, लोक सेवा, त्याग, तपस्या, संघर्ष, ये मकसद होने चाहिए जिंदगी की। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ईमानदारी से खेली जाए तो अच्छी है, नहीं तो बुरी है। कारपोरेशन, कारपोरेशन जनहित सेवा के लिए बेटर म्यूनसिपल गवर्नमेंट होना जरूरी है। लॉ, लॉ अगर अप्लीकेबल होगा तो आपका कायदे से जो काम होगा उसमें आपको खुशी और प्रसन्नता मिलेगी और कोई भी आपको उसमें डेंजर दिखेगा नहीं। ड्यूटी, ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए और जिस संस्था के लिए काम करते हो उसके हित को न छोड़ के उसके हित में ही काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन जो है वो पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए और जहाँ पे कानून की बात है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। पब्लिक, पब्लिक जो है जागृत होनी चाहिए, उनकी सोच एक रहनी चाहिए सवाल करने की, जिद करने की और लोगों को जगाने की और जनता को जगाने की और बाद में प्रशासन को हिलाने की। लीडर, लीडर वो हो जो सबको साथ लेके चले विश्वास और विकास के साथ। वेरी गुड सर, आपने बिल्कुल बेबाक जवाब दिए। आपके जीवन के दो ऐसे क्षण, एक वो जिसमें सबसे ज्यादा खुशी हुई हो आपको और दूसरा वो क्षण जिसमें सबसे ज्यादा दुख हुआ। मेरा खुशी का जो क्षण है वो ये है कि जिस दिन मैं लॉ ऑफिसर बना था 18/2/91, मैं एक साधारण परिवार से हूँ और नौकरी करते करते मैंने LLB की पढ़ाई की थी और मेरी माँ जो है मेहनत करके मुझे SSC तक पढ़ाया था, उसके बाद मेहनत करके मैंने खुद की कमाई से यह पदवी हासिल की थी LLB की, और बाद में मुझे जब वो पद मिला और उस दिन जी मेरी माँ की जो प्रसन्नता थी, मेरे पिताजी की जो प्रसन्नता थी वो बेहद थी और उस वो क्षण जो था मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। सबसे दुख का क्षण, जब आपको दुख हुआ सबसे दुख का क्षण यह है कि जब मैंने अभियान चलाया था सोच बदलो शहर बदलो, इतने पैम्पलेट्स मैंने बांटे थे जिसमें मैंने वजह लिखी थी कि शहर किस तरह से डूब रहा है, परिस्थिति किस तरह से डूब रही है और लोगों को जागृत क्यों होना चाहिए, उसमें कई तत्व दिए थे लेकिन लोगों ने उसमें समझा नहीं। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मेरे पास इतने लोग आए थे जो पैसा मांगने के साथ और कोई बात नहीं कर रहे थे, मुझे वोट पैसे से नहीं चाहिए था इसलिए मैंने किसी को पैसा दिया नहीं था। चुनाव हारा कोई गम नहीं और चुनाव जीतने के लिए मैं नहीं उतरा था, मैं सोच बदलने के लिए उतरा था। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि लोगों को अपने आप को बदलना चाहिए, अगर पैसा लेके चुनाव करते रहे तो ये उल्लासनगर एक नर्क बन जाएगा। तो यह है प्रकाश कुकरेजा जी, जो कि एक अच्छी सोच आपके सामने लाना चाहते हैं। कैसे व्यक्ति हैं, कैसी शख्सियत है आप भली भांति जानते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि इनकी सोच शहर के लिए जो हितकारी सोच है उस पर अमल होना चाहिए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। प्रकाश जी आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।